दोस्तों अभी आ चुके हैं मनाली रोड पे। ये देख लो पूरा खाली है भाई, पूरा खाली शहर। दो भाई मिल गए भाई एक साथ, क्या बात है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस अभी मैं हूँ मनाली से 15 किलोमीटर पहले, और अभी हम जा रहे हैं अंजनी महादेव टेंपल। अंजनी महादेव टेंपल एक वहाँ पर एक शिवलिंग है, और वहाँ पर अपने आप ही भगवान की कुदरत से जल अभिषेक होता है। तो वहीं पर हम जा रहे हैं भगवान शिव पे अपना माथा टेकने के लिए। और अभी देख सकते हो भाई, अभी हिमाचल की इतनी खूबसूरत वादियों में हम खड़े हुए हैं। ये चेक करो यार, क्या बात है, देख रहे हो आप कितना ही खूबसूरत है भाई हिमाचल। और मैं और मेरा दोस्त सावंत जा रहे हैं आगे की ओर, और जो ये रास्ता होने वाला है भाई वो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग होने वाला है। भले हम पे कोई बाइक नहीं है, कोई कार नहीं है, फिर भी 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है हम पैदल ही तय करने वाले हैं। यहाँ पर पहले बाइक अलाउ थी, पर अब अलाउ नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ यहाँ पर थार या स्कॉर्पियो, वो भी 4x4 की जा सकती है, बस उसके अलावा कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे 1 किलोमीटर का ट्रैक करके। ये देख सकते हो भाई, ऐसा रास्ते से जाना होगा हमें अंजनी महादेव टेम्पल। यहाँ कुछ बच्चे मिले हैं हिमाचल के। हेलो भाइयों, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे? अरे बड़े खुश से खुश लग रहे हो यार, क्या बात है। आपको बड़े भी फैन है। अरे भाई, तो देख रहे हो भाई, हमें यहाँ भाई मिले हैं। भाई नाम बताओ अपना, नाम सुनील। सुनील भाई आपका? सरोज। यही रहते हो जी? ओके। ये मतलब आपका घर है क्या? ये घर ही है। अच्छा, यहाँ काम भी करते हैं आप? क्या बात है, अभी पूरे भीग रहे हो, गर्मी ज्यादा लग रही है आपने भाई। ऐसा गर्मी तो है यार, एक बात है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो ये रास्ता सीधा ऐसी है जी? यहाँ मतलब कार वार कुछ नहीं जाती? नहीं भाई, जाती थी, अब बंद हो चुकी है। अच्छा, बंद हो चुकी है। तो भाई देख रहे हो पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, तो ऐसी होके हमें जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 3। और भाई एक बात बताऊँ, हिमाचल की बात करूँ तो भाई इतना खूबसूरत है हिमाचल, इतना खूबसूरत है। आप ये देख रहे हो आप चारों तरफ, क्या नजारा यार, मजा आ गया यार। आप लोग मतलब 12 महीने यहीं रहते हो? हमेशा यही? क्या बात है, बड़े सुंदर हो यार, क्या बात है। भाई हम नहीं इतने सुंदर, हम तो घूम घूम के बस काले हो चुके हैं। और भाई से मिलके काफी अच्छा लगा, तो चल अब आगे चलते हैं। ओके भाई, बोतल नीचे रख दो यार। हेलो, तो मिला लूं भाई, भाइयों से यार मिले तो क्या बात है। ओहो, आ जाओ यार, हाय हेलो तो हो जाए यार। ओ, देख रहे हो भाई, देखो भाई यहाँ से कूदेंगे आप, क्या बात है। पानी उधर से भर लो, नया पानी। हेलो भाई, hello. क्या नाम है? दीपक। दीपक नाम है भाई? भाई भाई मेरा नाम भी दीपक है, देख रहे हो भाई। यहाँ दो भाई मिल गए भाई एक साथ, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा यार। कैसे भीग रहे हो, गर्मी ज्यादा लग रही है? अरे बढ़िया बात है, पानी भर के ला देते हैं। नहीं कोई नहीं, अरे भाई देख रहे हो। हेलो ब्रदर, कैसे हो यार? हेलो तो मिला यार, कैसे हो? क्या क्या नाम है? तनु तो लड़कियों का नाम होता है भाई। इधर देखे बताओ भाई, देख रहे हो तनु तो लड़की का नाम होता है। आपका नाम कैसे लग जाए फिर तनु? भाई देख रहे हो, तो काफी अच्छा लगता है यार जब रास्ते में ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, बहुत अच्छा है यार। ऐसे हमारा टाइम कटता है, दिन कटता है, तो काफी मजा आता है। और अभी देखो मेरे बोतल में भाई गर्म पानी था, और इसलिए जब ब्रदर है ये भाई कह रहे हैं कि आपकी बोतल में गर्म पानी, हम ठंडा पानी भर के लाते हैं। तो देख रहे हो सारे के सारे अभी ठंडा पानी भर के ला रहे, तो काफी अच्छा लगता है यार ऐसे बच्चों से मिलने में, काफी ज्यादा खुशी होती है। और अभी चलते हैं आगे अंजनी महादेव मंदिर, वहां पर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। क्या बात है, देख रहे हो क्या बात है भाई, ऐसे अगर सपोर्ट मिलता रहे तो जर्नी में काफी मजा आता है। चलो ब्रदर चलते हैं, अभी आके मिलते हैं, ठीक है? चलते हैं यार, मेरा दोस्त तो आगे चला गया, बस ऐसे रास्ते पे से ही हमें आगे जाना पड़ेगा। तो भाई देख रहे हो कितना खतरनाक रास्ता यार, ऐसे रास्ते पे से होके हमें जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, क्या बात है, नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई हिमाचल के। आप भी आओ, प्लानिंग करो अपने फैमिली के साथ, अपने यार दोस्त के साथ। थक गए यार भाई, अब ट्रैकिंग करने की हिम्मत नहीं रही यार। 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, उसमें भी हालत ख़राब हो गई, पर फाइनली ये देख सकते हो इस रास्ते पे से होके जाना है। और वो रहा भाई टेम्पल, सामने आप देख रहे होंगे ये रहा टेम्पल। और अभी चलते हैं ऐसे रास्ते पे से, वाह मज़ेदार भाई, मज़ेदार रास्ता है यार एकदम मस्त, देख रहे हो क्या बात है। सावन ये देख रहे हो ऐसा रास्ता भाई, ऊपर से गंगा बह रही है, क्या बात है। इसे पार करना होगा, देखते हैं भाई कैसे पार करते हैं कैसे नहीं। भाई ट्रैकिंग तो हमने कर ली, पर इसे कैसे पार करेंगे भाई, बहुत तेज पानी बह रहा है, बहुत तेज। फाइनली भाई इस नदी को पार करके आ चुके हैं आगे की तरफ। भाई आपके साथ दो आदमी होने चाहिए जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट देगा आपको, एक आगे कूद जाना। आप तो ऐसी बोला, देख लो जूते पूरे गीले हो जाएंगे,
अगर आप एक आते हो तो। अभी चलते हैं। ओए ओए क्या नजारा भाई। तो भाई अंजनी महादेव शिवलिंग, कुटिया धुना और मंदिर, मंदिर ये है, कुटिया धुना इधर दिखा रखा है, शायद ये है भाई। और क्या नज़ारा भाई, एक नंबर यार, एक नंबर। वे टू शिवलिंग, इधर शिवलिंग का रास्ता है और बहुत ही प्यारा रास्ता बना रखा है भाई। भाई ट्रैक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए दर्शन करने के लिए। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, सिर्फ 1 किलोमीटर का, और काफ़ी अच्छा लगा यार। वाह यार वाह, फाइनली गाइस वो देख सकते हैं, वहाँ है शिवलिंग और जो नज़ारा भाई, झरना जो गिर रहा है, जो जल गिर रहा है भाई शिवलिंग पे, क्या भाई क्या मस्त है, बढ़िया यार एकदम। ओए होए उधर भी देखो गाइस, उधर भी वाह भाई, ऐसा लग रहा है जैसे दूध दूध होता है ना, एकदम सफेद जल ऐसे है भाई। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं भाई हम दर्शन करने के लिए महादेव के। ये देख सकते हैं भाई क्या नजारा यार। ओए होए हर हर महादेव, ओए माय गॉड। तो गाइस ये चेक करो यार क्या बात है। तो देख सकते हो भाई क्या ही अद्भुत नजारा है, और सब ये हमारे भगवान की माया है भाई। ये आप चेक करो, वाओ यार क्या खूबसूरत नजारा है। तो भाई ये देख सकते हैं, यह है हमारे महादेव और साक्षात उनके ऊपर जल अभिषेक हो रहा है। क्या बात है, क्या नजारा है गाइस। तो एक बार कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। ये बात है, ये चेक करो यार हर हर महादेव। तो गाइस अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करके आते हैं। भाई देख रहे हो कितना तगड़ा झरना गिर रहा है, पूरा भीग जाऊंगा पर महादेव के दर्शन जरूर करने हैं। तो गाइस फाइनली अपने मस्त वाले दर्शन हो चुके हैं और काफी मजा आया यार भगवान शिव के दर्शन करने में। और अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो मनाली से 15 किलोमीटर आगे आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि अंजनी महादेव टेंपल कहां पर है, और 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होने वाली है। और भाई बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के साथ आपका जो ट्रैक होगा वो महादेव के दर्शन कराएगा। तो काफी अच्छा लगा, अगर आपको महादेव पसंद है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना यार। और कुछ ऐसा है देख सकते हो भाई नज़ारा मस्त यार, एकदम एक नंबर यार, काफी मजा आया हमें यहाँ तक आने में। और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, इतना हार्ड ट्रैक नहीं था, मतलब मजा ही यार क्या बताऊं भाई, भगवान के दर्शन हो गए और क्या चाहिए यार। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे की तरफ, और रास्ते जो है भाई पूरे जंगलों से भरा पड़ा है रास्ता ये। और भाई देख सकते हो इतना अंदर है ये अंजनी महादेव का टेम्पल। और अभी चलते हैं नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसा रास्ता बना रखा है, रास्ता बहुत ही मस्त बना रखा है भाई, एक नंबर यार। तो फाइनली गाइस दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हमने ले लिया है नाचोस, भाई बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और थैंक यू सो मच भैया, और भाई भैया की इंग्लिश यार सुपर, क्या बात है यार। देख रहे हो, और भाई हम भी चाहते हैं कि यार हमारी भी इंग्लिश ऐसी हो यार, मस्त एकदम यार, क्योंकि यार हमें भी बाहर अपना बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए आपकी इंग्लिश जो है परफेक्ट होनी चाहिए। अभी हमारी इतनी परफेक्ट नहीं है, इसलिए भाई परफेक्ट हम चाहते हैं हमारी भी इंग्लिश परफेक्ट बने, ताकि हम भी बाहर जा सके यार। और अभी चलते हैं आगे की ओर, भैया की शॉप है भाई यहाँ पर, हम बैग रखे गए थे। तो गाइस 3 बज चुके हैं और देखते हैं कौन कौन सी हमें गाड़ी मिलती है जो हमें सीधा मनाली तक लेके जाएगी। मनाली जो है यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है, देखते हैं। और अभी हमारा भाई लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा है, और हिमाचल की जो खूबसूरती है भाई नेक्स्ट लेवल है। एक ट्रक तो आ रहा है, देखते हैं लेके जाते हैं नहीं लेके जाता। अरे यार नो भाई नो, चलो कोई नहीं। गाइस अभी चलते हैं सीधा गुरुद्वारे की तरफ, और ये जा रहा है सीधा गुरुद्वारे की तरफ रोड। तो भाई फ्लड की वजह से ना मनाली बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और टूरिस्ट यहाँ भाई बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो इधर भी पूरा मनाली एकदम खाली है भाई, ये हाल हुआ है यहाँ पर। भाई आपदा तो बहुत बुरी आई थी यहाँ पर, जितने भी मतलब हमने देखा जितने भी हाईवे है ना,
भाई बिल्कुल सत्यानाश कर दिए भाई इस फ्लड ने भाई है? जो भी पोल है, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी कनेक्शन है, और रोड के अंदर से मतलब एकदम ऋषिकेश की तरह लंबी चौड़ी नदी बना दी है, तोड़ के एकदम भाई पत्थर ही पत्थर हर जगह पत्थर ही पत्थर, पानी की लहर है, बहुत तगड़ी सुनामी आई है भाई यहाँ पर। और अभी देख सकते हो पूरा मनाली खाली है, टूरिस्ट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये है मनाली की मार्केट, ये आप देख सकते हो, और यहाँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या बात है। और मतलब बिल्कुल भी यार भरा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत टूरिस्ट है यहाँ पर, वो भी लोकल के होंगे जो होंगे, बाकी पूरा खाली है। रात में नज़ारा देखेंगे इसका कैसा रहेगा, नाइट लाइन देखेंगे, नाइट लाइन। तो भाई पिछले एक महीने से ट्रैवल कर रहे हैं और एक महीने से भाई कुछ भी बाहर का हमने खाया नहीं है फास्ट फूड, और फाइनली मनाली जो भी आता भाई वो खाता जरूर है। और यहाँ आ गए भाई अपने मोमोज, पिछली बार भी जब मैं मनाली आया था मैंने मोमोज ही खाए थे, बड़ा मजा आता यार। कैसा लग रहा है सावन? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यार। एक महीने से भाई कुछ नहीं खाया बाहर का, कुछ नहीं, तो मनाली आके था खाना बनता ही है। और अभी मनाली का जो रोड है ना बिल्कुल भाई खाली है, और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि फ्लड की वजह से है। भैया टूरिस्ट है नहीं अभी? नहीं है ना, हाँ टूरिस्ट है नहीं भाई, क्योंकि नीचे पूरा खाली पड़ा है, हम भी आए थे ना, पूरा खाली पड़ा है। हाँ 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 हाँ, सीजन में मार्केट पूरी मतलब फुल रहती है, इस बार तो भाई देख लो बिल्कुल खाली पड़ा भाई, बिल्कुल खाली। हाँ सही बात है, चलो भाई हम तो अपना मोमोज खाते हैं भाई। दोस्तों अभी आ चुके हैं मनाली रोड पे, ये देख लो पूरा खाली है भाई, पूरा खाली शहर भाई, शहर मनाली सिटी में आए हैं पूरा खाली है, मतलब ये आप देखो ना टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, 1% भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, जो है यहाँ के लोकल लोग हैं। ये देखो इस तरफ भी सामने है मंदिर। फ्लड की वजह से ये चेक करो यार मनाली का क्या हाल हो चुका है यहाँ पर भाई, 1% भी टूरिस्ट नहीं है, बाकी जो लोग बैठे हैं सब लोकल के बैठे हुए हैं, चेक करो यार। वरना भाई यहाँ पर भाई मतलब इतनी भीड़ रहती थी यहाँ, पैर रखने की जगह नहीं होती थी भाई। मनाली में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, बस ये आप देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं हिमाचल ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पर आप फोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं है, 1% भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। ये चेक करो पूरा खाली भाई, रोड खराब की वजह से। वाकई में यार रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, फ्लड जो है ना उन्हें सब तबाह कर दिया, हमने देखा रास्ते में इतना नुकसान हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा है, पर कोई नहीं लगे हुए हैं भाई सब बिल्कुल सही करने में। ये है भाई मनाली का सीन।